मेरा नाम शायुनी सिन्हा है। मैं एक 33 वर्षीय युवती हूँ। मुझे पहले बाहर बहुत खाने की आदत थी। इसी आदतवश मैंने बाहर कहीं कुछ खा लिया था, उससे मुझे पेट में जीवाणुओं का संक्रमण हो गया। 6 वर्षों तक बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के डॉक्टरों से चिकित्सा करवाने पर भी मुझे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया। अभी तो बीमारी और गहन हो गई। 17-17, 20-20 दिन तक मैं खाना नहीं खाती थी। मेरा वज़न 38 किलो का हो गया था। आधे बाल झड़ गए थे। पहले के डॉक्टरों ने जो गोलियां दी थी उससे मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया। रात को नींद नहीं आती थी। मेरी त्वचा एकदम काली पड़ गई थी। मुझे कब्ज़ की भयंकर समस्या हो गई थी। कार्यालय में भी मेरा प्रदर्शन खराब होने लगा। मैंने नौकरी पर जाना बंद कर दिया। मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते थे। सारे चिकित्सकों ने कहा कि मुझे भ्रम है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भी मेरे संबंध बिगड़ने लगे। मैंने शादी ब्याह या किसी भी पार्टी पर जाना छोड़ दिया। मैं अच्छी नर्तकी हूँ, मेरा नृत्य भी छूट गया। मुझे लगने लगा अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मैं दिन गिनने लगी। मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए थे, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिल पाया था। इसी परिस्थिति में मुझे डॉक्टर पंकज मिले। मुझे तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेरी बीमारी सुनने के बाद तुरंत डायग्नोसिस कर दिया था कि मेरी छोटी आंत खराब हो गई है। इनके बताए अनुसार मैंने दवाई ली। 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे शरीर के अंदर परिवर्तन समझ में आने लगा। कब्ज़ की समस्या 1 हफ्ते में कम हो गई। खाना पचने लगा। नींद में सुधार आया। बाल झड़ने कम हो गए। 8 महीने हो गए मुझे इनकी चिकित्सा ग्रहण करते हुए। 12 किलो मेरा वज़न बढ़ गया है। अब मैं 50 किलो की हूँ। अब खाना भी हर दिन खाने लगी हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों को भी इनकी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास होने लगा। अभी मुझे और 14 किलो वज़न बढ़ाना है। आशा करती हूँ अगले 6 महीने में मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मेरा मनोबल अब बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर पंकज ने कहा है मुझे मेरी खोई सुंदरता लौटा देंगे। मेरी त्वचा और केश दोनों ही कांतिमय बना देंगे। मेरे खोए हुए केश लौटा देंगे। डॉक्टर पंकज से इलाज करवाने से पहले मैंने इनके पूर्व पेशेंट्स का भी साक्षात्कार लिया था। उनसे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने के बाद ही मैंने डॉक्टर पंकज से अपना इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर पंकज की मैं सदा आभारी रहूँगी। इनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती। इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। मेरे ख्याल से इनको पद्मश्री भी मिलना चाहिए।